अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। मैं हूं आयशा मलिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नए माली साल का 14,500 अरब रुपए का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार बजट तजवीज ऐवान में पेश करेंगे। वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1,150 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, जो रवां साल के मुकाबले में 31% ज्यादा होगा। पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन अफगान में मारा गया। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल महाजिर अफगान शहर कन्नड़ में हलाक। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर काबुल से था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ 4 रेफरेंस नैब को वापस। एहतसाबी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। नैब कानून के बाद ये रेफरेंसेस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। एहतसाबी अदालत रेफरेंसेस पर ट्रायल नहीं चला सकती। फारूक नाइक के दलाल फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, मंजूर कादिर, बिलाल शेख के खिलाफ रेफरेंस भी नैब वापस। वफाकी वजीर तफीस गुरबत और समाजी तहफ्फुज़ शाज़िया मरी कहती हैं, रवां बजट में BISP के तहत जारी मंसूबों के लिए रकम में इजाफा किया जा रहा है। 9 मिलियन घरानों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। बच्ची की पैदाइश पर 2,000 और लड़की की पैदाइश पर 2,500 मुआवनत फराहम की जाती है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज्यादातर लोग मुसाफिर हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हो उससे बात की जा सकती है। जहांगीर तरीन से हमारा अच्छा ताल्लुक मौजूद है। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास की नशस्त पर जिमनी इलेक्शन, PTI को बदतरीन शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जियाउल कमर 22,035 वोट लेकर कामयाब हो गए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिनहास हैं, जिन्होंने 16,271 वोट हासिल किए। साबिक सदर आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाग आजाद कश्मीर के जिमनी इंतखाब में कामयाबी पर जियाउल कमर को मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, जिला बाग के अवाम ने भी पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक एक जिंदा हकीकत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कराची और मुल्तान के बाद आजाद कश्मीर के जिमनी इंतखाबात में भी तीर चल गया। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात 15 जून को दोबारा होंगे। ट्रेनिंग ऑफिसर की पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि 9 और 10 जून को उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जून 14 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है, पारामा लीक्स बेंच के 2 जजेस चीफ जस्टिस बने मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। करप्शन के नासूर के खिलाफ जद्दोजहद हर एक पर लाजिम है। पारामा लीक्स में मुलाविस 435 अफराद के खिलाफ कुछ भी ना हो सका। कराची में पोलियो वायरस टाइप 1 के माहौलियाती नमूनों की तस्दीक, महकमा सेहत तर्जुमान का कहना है। जिला शर्की में सराब गोट के मकाम पर पोलियो वायरस की निशानदही हुई है। माहौलियाती नमूने 15 मई को लिए गए थे। हैदराबाद में पल्ला मछली की चोरी की अनोखी वारदात हुई। चोर मछली फरोश के फ्रिज से पल्ला समेत दीगर मछलियां चोरी करके ले गए। मछली फरोश नवीद मलाह का कहना है, रात गए नामालूम चोर फ्रीजर पर लगे लॉक तोड़कर मछलियां चोरी करके ले गए, जिनकी मालियत हजारों रुपए में है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं, BJP ने गांधी का भारत गांधी के कातिल गोट से भी के भारत से तब्दील कर दिया है। BJP ने अपने हिंदुत्ववा एजेंडे के लिए मकबूजा कश्मीर को तजर्बा गाह बना रखा है। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान नए खतरात से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक मुआहदे का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक के दरमियान मुलाकात। रूस चीन और इक्तसादी अदम इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए खुसूसी ताल्लुकात कायम करने पर भी इत्तफाक। और मिस्र के बहरा अहमर में शार्क ने एक रूसी सयाह पर हमला करके इसे निगल लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक
मुताबिक मरने वाले शख्स की उम्र 24 साल थी, जबकि इस हमले में दो अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। आपने जानी खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।